नमस्कार, मेरा नाम बीना पांडे है और फिलहाल मैं आशिकी के सेट पे हूँ, जो कि एक मतलब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पराग सर के साथ काम कर रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अनुराधा ओझा है और मैं भी पराग सर के साथ में फर्स्ट बार काम कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में जान करके, क्योंकि इंडस्ट्री में उन्होंने जितने भी फिल्म को अंजाम दिया है काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा वो बेटर रहा है। मैं इसमें प्ले कर रही हूँ खेसारी जी की मदर का कैरेक्टर, और जिसके कि शेड्स काफ़ी डिफरेंट हैं। मतलब एक तरह से बोले तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा, बिकॉज़ एक फिल्म में जहाँ मैं एक काफ़ी रिच फैमिली को बिलोंग करते हुए दिखाई जाऊँगी, वहीं पे लाइक नेक्स्ट कट में मुझे बहुत ही लो और बहुत ही डाउन शेड्स शो करने हैं। एक तरफ हस्बैंड का प्यार रहेगा, एक तरफ बेटे के लिए ममता रहेगी, और दूसरी तरफ सोसाइटी पे क्या प्रेशर एक फीमेल के ऊपर होता है, वो भी मुझे दर्शाना है। तो लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड। जी, इस फिल्म में मेरा किरदार एक गांव का टिपिकल लुक के लिए दिया गया है, जो कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात होगी। जहाँ तक कि इसमें अम्रपाली जी जो हैं वो हमारी ननद का कैरेक्टर कर रही हैं और मैं उनकी भाभी का कैरेक्टर कर रही हूँ, और ये काफ़ी चैलेंज वाली कैरेक्टर है जो कि मुझे बहुत ही बेहद पसंद आया है। और देखते हैं, अब बहुत ही मज़ा आने वाला है इस कैरेक्टर में और इसको ले करके चलना है। जी, इधर एक तरफ हीरो की माँ और इधर हीरोइन की भाभी, और इधर क्या कहना चाहे जो है, ये आप लोग कैसे केमिस्ट्री होने वाली है? केमिस्ट्री मेरे ख्याल से तो जैसे फिल्म में हीरो मैं हूँ, हीरो की तरफ से तो मैं ही भारी पड़ने वाली हूँ इनके ऊपर। ये तो जानते हैं ना कि अभी जमाना हो गया है नारी शक्ति वाली जहाँ लड़का प्रेम की बंधन में बंधेगा वहाँ नारी की ही शक्ति चलेगी, और वैसे बेटा कुछ काम का आने वाला नहीं है जहाँ मेरी अपनी ननद काम आने वाली है। मैम, बीना जी, आप खेसारी जी के फिल्म में मदर का कैरेक्टर हैं, और जहाँ तक पवन जी की फिल्म में आप माँ के कैरेक्टर हैं, तो दोनों सुपरस्टारों के माँ का ऑफिशियली कैरेक्टर आपके पास है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये शायद मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जिस इंडस्ट्री के जो भी हीरो है, जिनको मतलब इंडस्ट्री और आउट ऑफ इंडस्ट्री की सारी लड़कियां इतना प्यार करती हैं, वो सारे के सारे मेरे बेटे के कैरेक्टर में आते हैं, तो मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं तो चाहूँगी कि असली ज़िंदगी में भी अगर कभी मुझे बेटा मिले तो मेरे इंडस्ट्री के जितने सुपरस्टार्स हैं उनमें से किसी एक की झलक तो उसके अंदर आए ही। वो ऐसा ही प्यारा हो, वैसा ही कॉन्फिडेंट हो, और सबके दिल पे राज करने वाला। लुक देखने से लगता है कि आप एज ए एक्ट्रेस और माँ का कैरेक्टर क्यों? देखिए, यही एक चैलेंज होता है कि मैं अपने रियल लाइफ में क्या हूँ, और मैं जब रील्स में आती हूँ तो मैं क्या प्ले करती हूँ। तो अगर रियल लाइफ में मैं ठीक है, मैं हर तरीके के कपड़े भी पहनती हूँ, मैं हो सकता है उतने बड़े बच्चे की माँ भी नहीं हूँ, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है मेरे अंदर वो इमोशन जगता है, चाहे वो सामने पवन सर हों, चाहे खेसारी सर हों, चिंटू जी हों, दिनेश जी हों, तो उनके लिए जो इमोशन मेरे अंदर डेवलप होता है, मुझे लगता है एज अ आर्टिस्ट वही मेरी जीत होती है। जो भी बेटे हैं, इनफैक्ट बेटियां भी, वो डे बाय डे बैक टू बैक काम करें और मैं बैक टू बैक माँ बनते जाऊँ। आप भौजाई बन रहे हैं, किन किन के पवन जी की भौजाई आपने किया है प्ले? जी, बिल्कुल किया है मैंने। क्रिक फाइटर में पवन जी की भाभी का ही कैरेक्टर किया था, तो वो भी बहुत अच्छा चैलेंज रहा था मेरे लिए। और काफ़ी सेट पे एक हमारे भोजपुरी में देखते हैं ना, देवर और भौजाई का जो मिलन होता नोकझोंक, है और जो नोक झोंक होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो ये चीज़ मैंने किया है। और वो पता ही नहीं चलता है कि ऑन स्क्रीन मैंने ऑन स्क्रीन कर रही हूँ चाहे ऑफ स्क्रीन कर रही हूँ, काफ़ी मज़ा आता है सब करने में, और लगता ही नहीं कि ये हमारा सेट एक मतलब फैमिली से हट कर है। बहुत ही प्यारा सा एक रिश्ता है जो बन चुका है, और अब देखिए, अब इसमें भी एक मजा आने वाला है और आगे बढ़ने वाला किसके है। साथ ज्यादा मजा आता है, खेसारी जी के साथ या पवन जी के साथ? देखिए, ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि इंडस्ट्री में दोनों लोग जो हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही उम्दा लोग हैं, और मज़ा तो हमारे खेसारी जी के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उनकी भाभी का कैरेक्टर मैंने किया है कुली नंबर वन में, और पवन जी का भी भाभी के कैरेक्टर का रोल किया है मैंने, तो मज़ा है। मैंने ये नहीं कह सकती कि मैं मज़ा किसी एक के साथ आता है, दोनों के साथ ही अच्छा लगता है, और दोनों ही बहुत ही अच्छे कलाकार हैं जो कि आज इंडस्ट्री में बहुत ही नामी है। तो क्या आप लोगों ने डिसाइड किया कि मीना जी माँ बनेगी, मैं भाभी बनूंगी? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे जब कोई भी राइटर अपनी स्टोरी लिखे, या कोई भी डायरेक्टर अगर कोई भी कैरेक्टर जब स्केच करता हो, तो उसकी स्केचिंग अगर वो कभी भाभी सोचे तो भी वो एज अ बीना पांडे मुझे उस कैरेक्टर में इमेजिन करे, अगर वो मुझे माँ के रूप में भी चाहे तो मुझे इमेजिन करे, मैं किसी एक शेड में खुद को बांधना नहीं चाहूँगी कभी भी।
सर चैलेंज तो इंडस्ट्री में है, तो जितने चैलेंज मिले उतना अच्छा लगता है। भाभी भी प्ले कर लेती हूँ, बट मतलब मुझे शायद लगता है कि मैं मदर मुझे ज़्यादा पसंद आता है। वो लोग तो जैसे खेसारी जी और पवन जी को जितना प्यार देते हैं, उतना ही उनकी माँ को भी प्यार देते हैं। आखिर माँ हूँ तो उनसे ज़्यादा प्यार मुझे भी मिल जाता है कभी कभी। भोजाई का क्या मैसेज है अपने फैंस के लिए? भोजाई का मैसेज यही है अपने फैंस के लिए कि भोजाई कभी भी अपने देवर लोग के ऊपर भारी ही पड़ती है और भारी पड़ते रहेगी भी, क्योंकि कभी भी देवर तो चलाते ही अपने घर में हुक्म, लेकिन भाभी जी भी ज़्यादा चलाती हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि भाभी ऑल द बेस्ट। आस्की के फिल्म के निर्माता की बात की है, प्रदीप शर्मा जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप शर्मा सर का देखिए, जैसे एक आप बोलते हैं ना, मैं अभी फेस टू फेस तो फर्स्ट टाइम उनसे मिली हूँ। एक जेंटलमैन, जैसे हमारी इंडस्ट्री की एक इमेज होती है ना कि आप आते हैं तो लाइक आपका बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, तो वो पहले इंडस्ट्री के तो नहीं थे, लिट्टी चोखा से उन्होंने जहाँ तक मुझे पता है शुरुआत की। लेकिन एक जब पढ़ा लिखा इंसान हमारी इंडस्ट्री में आता है तो मुझे बहुत प्राउड फील करता है। एक वेल एडुकेटेड, मतलब नॉट ओनली डॉक्यूमेंट्स से वेल एडुकेटेड, आपका जो मेंटालिटी है, आप किस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री को देखते हैं, तो मुझे लगता है वो प्रदीप सर हमेशा देखते हैं ब्रॉड माइंडेड तरीके से। और जब एक आपका जो प्रोड्यूसर होता है एक फिल्म के बाद जब दोबारा फिल्म बनाना चाहता है, तो शायद एज अ भोजपुरी इंडस्ट्री ये हमारी जीत होती है। तो मैं चाहूँगी कि वो बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री में दोबारा फिर से आए, हमेशा ही आते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।